कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से ना उसकी इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए, सच में बहुत तेज लगता है, दिल पे लगता है सवाल, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमें भी नहीं पता है, और उससे बुरा ये है कि अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो हमें ये भी नहीं पता है वो जाती कहाँ है। ज़िंदगी पेचेक टू पेचेक है, मॉर्निंग में पैसे मिलते हैं, शाम तक पता लगता है कोई नया कैमरा एसेसरी या कुछ लेंस लॉन्च हो गया, कुछ नहीं तो रणथंबोर में T120 ने खिल कर दिया है लेपर्ड का, और वो देख के लगता है कि चलो भाई ट्रिप बुक कर देते हैं, तो यहाँ नहीं तो वहाँ पैसे कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं कुछ आइडिया नहीं है। तो पैसों की बात हमसे मत कीजिए, और कोई और आपको भले ही जवाब दे दे, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में कितनी इनकम है और उसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है, वो मुझसे मत पूछिए। हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मोनेटाइज करने के तरीके क्या है, जिसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है, बट इसके अलावा डिटेल में कैसे उसको चैनलाइज करना है, नॉट द राइट पर्सन टू आंसर एट ऑल। सो आइडिया ये है कि हमको ये सब कुछ पैक करना है, आई थॉट के वाइल आई एम पैकिंग इट आई कैन एक्चुअली व्लॉग इट, ताकि आप थोड़ा सा इसको देख पाए, आपको समझ में आ पाए मेरी किट में क्या क्या है, नॉर्मली मैं ट्रिप्स में क्या क्या कैरी करती हूँ, और पैकिंग के क्या तरीके हैं, मे बी आपको थोड़ा हेल्प मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास, तो सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने सारा सामान यहाँ पर नीचे निकाल के रख लिया है, एंड दिस इज़ व्हाट आई डू व्हेन आई एम यूजुअली पैकिंग द गियर, क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं तो किसी ना किसी कॉर्नर में वो गई रहती हैं, और किसी ना किसी कॉर्नर में अगर चीज़ें आपने रखी हुई हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, कभी आप कार्ड्स पूरे नहीं लेके जा पाए, कभी आपकी बैटरी कहीं किसी पॉकेट में रह गई, तो एक पहला सजेशन ये है कि सारा सामान जो है वो बिखेर करके रख लीजिए, खाली सा स्पेस निकालिए, और उस खाली स्पेस में अपने सारे कैमरा बैग्स को खाली कर दीजिए, सारा सामान निकाल दीजिए, थोड़ा फैलेगा ऑफकोर्स बट सब कुछ रख लीजिए, इससे कुछ भूलने के चांसेस कम रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोकेशंस ऐसी होती है कि अगर वहाँ पे आप कुछ भूल गए तो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना पूरा सामान नीचे रख लीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे बिट बाय बिट उसको पैक कीजिए। और आज मैं यही करने वाली हूँ, आज मैंने सारा सामान नीचे निकाल के रख लिया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको पैक कैसे करते हैं। पहली चीज़ जो मैं नॉर्मली रखती हूँ अपने बैग में वो है मेरा कैमरा, ऑफकोर्स द प्राइमरी बॉडी दैट आई यूज़ विच इज़ Alpha 1, एंड यूजुअली कोशिश ये रहती है कि ट्रिप से पहले इसको थोड़ा सा खुद भी साफ़ कर लिया जाए, और अगर ज़्यादा मिट्टी है तो सर्विस सेंटर में दे दिया जाए ताकि थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए। अभी पिछले ट्रिप पे मैंने इसको क्लीन करवाया था, तो आई डोंट थिंक इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड टू क्लीन इट, गेट इट क्लीन फ्रॉम द सर्विस सेंटर। अच्छा, घर के ब्लॉग्स में बड़ी दिक्कत है, कभी भी घंटी बज जाती है। एनीवे, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। नॉर्मली व्हाट आई डू इज बैटरीज़ वगैरह मैं कैमरा में से निकाल लेती हूँ, एंड ये सजेशन ना मेरा आपको भी रहेगा कि बैटरीज़ और कार्ड्स निकाल करके रखिए, जब आप जंगल में वापस आते वक्त पैक कर रहे हैं तब भी, और यहाँ से जाते वक्त भी, बिकॉज जब एक ही प्लेस में आपके कार्ड्स और बैटरीज होंगे आपको पता रहेगा आप कोई बैटरी मिस तो नहीं कर रहे। नॉर्मली मैं एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ ट्रैवल करती हूँ, 5 से 6 बैटरीज रहते हैं, सो मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी बैटरी कैमरा में रह नहीं जाए, उसको निकालिए, अलग से पाउच में डालिए, और वहाँ पर लास्ट में निकलते वक्त एक बार अपने एसेसरीज काउंट कर लीजिए। सो अभी के लिए व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली क्लीन द डस्ट जो ऊपर ऊपर मुझे दिख रही है, कम से कम दिखती हुई मिट्टी तो साफ कर ही लेनी चाहिए, अदरवाइज इट काइंड ऑफ इरिटेट्स यू अ ग्रेट डील। सो अभी ऊपर की जो डस्ट है वो हमने साफ कर दी है, और दोनों कैमराज पे जो स्क्रीन है उस पर मैंने एक स्क्रीन गार्ड लगवाया हुआ है, आई वुड रिकमेंड, नया कैमरा है और आप जंगल ट्रैवल करते हैं तो स्क्रीन गार्ड हमेशा कन्वीनियंट रहता है, स्क्रीन को बहुत प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज सफारी में क्या होता है दैट द गियर्स आर मूविंग अलॉट, सो इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव अ स्क्रीन गार्ड, थोड़ा भी स्क्रैच लगेगा तो आपके कैमरा को डैमेज नहीं करेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग वॉट आई डू इज so there are these buff masks and the cloth is very soft, so what I do is I just wrap my camera in the buff mask, a lot of people wrap it in the bubble wrap also, but again that's unnecessary usage of plastic, so I try to not do that, I wrap it up in my buff masks and then I place it in my bag.
So this is Alpha 1. This was my primary camera body. This is the body that I usually use with 400mm 2.8. इसको हम अभी पैक करेंगे केस के अंदर. My secondary body, very good in low light. It's got 24 megapixel. And before I graduated to Alpha 1, Alpha 9 Mark 2 was the body that I was actually using. Alpha 1 यूज करते हुए कुछ एक साल होने वाला है और Alpha 9 Mark 2 अभी अपने लिए पर्सनली मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑर्डर किया है, विच आई एम यूजिंग फॉर विद 7200. बिफोर ऑर्डरिंग सोनी वॉज काइंड इनफ टू काइंड ऑफ लेंड मी द गियर फॉर अ वाइल, सो आई वॉज यूजिंग दैट बॉडी. ऑलराइट, सो दिस इज़ आर अल्फा 9 मार्क 2. अगेन चेकिंग फॉर बैटरीज, चेकिंग फॉर कार्ड्स, नहीं है इसमें, परफेक्ट. एंड देन देर इज़ अनदर क्लीन बफ मास्क विच आई यूजली यूज टू रैप माई कैमरा बॉडीज. सो ये हो गए हमारे दो कैमरा बॉडीज. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना पैक माई 7200. दिस वन इज़ जी मास्टर 2. बहुत लाइट वेट लेंस है और ये 7200 वो लेंस है जिसके बिना आई वुड नॉट लाइक ट्रैवलिंग एनीवेयर. जंगल ट्रिप हो या नॉन जंगल ट्रिप हो, 7200 इज़ अ लेंस दैट आई ऑलवेज कैरी. और दिस इज़ अ लेंस दैट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू टू पुट इट इन योर किट. सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज़ वी गोना पैक आर 7200. अच्छा, इसके बाद है हमारा 400mm 2.8 जिसको हम केस में डालेंगे. दिस इज़ माई प्राइमरी लेंस और ये माउंटेड रहता है अल्फा 1 पे. आई थिंक बता दी ऑलरेडी, बट कोई बात नहीं, पहला व्लॉग है सो दो बार सुन लेना. उसके बाद है हमारे चार्जर्स. सो दीज आर द टू सोनी चार्जर्स एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम गोना पैक द टू वायर्स. सो ये दो वायर्स साथ में जाएंगे अलॉन्ग विद द चार्जर्स. There you go. And then after the wires, there's one very important thing that I usually carry on all my trips. I've started carrying recently. This is Ninja V Plus or Ninja 5 Plus, whatever you want to call this. So this is an external monitor. A lot of you have been asking me about this monitor because I think you saw it in my recent reel. So this is a monitor that I mount on my camera with the help of this thing. And the best part of the monitor is that you can record 4K in 60fps. So while you're shooting, if you also want to, while you're shooting stills, if you also want to record that particular situation, you put this external monitor on your camera. Camera se shoot kijiye, isme video record hoga and later on you can use that video. Iske andar jo data hai wo directly sensor se record hota hai, so the quality is good. Also it has an SSD attached to it. It's a 500GB SSD. I'm planning to upgrade this one because थोड़ा सा जल्दी भर जाती है और साथ में रहती है ये बैटरी. So I also carry an extra battery and I usually carry this in a pouch. Don't judge the pouch. I had a very good military color pouch. वो फट गया है तो इसलिए it's kind of mom's cosmetic pouch. I think I should have changed it before recording this video. But anyway. अच्छा, साथ में है हमारे कैमरा की बैटरीज. ये बैटरीज मैं सेपरेटली रखूँगी और ये भी इसी ग्लिटर पाउच में जाएंगी. देन देर इज दिस क्लीनर दैट विल ऑल्सो गो इन द किट. देन देर इज दिस माउंट विच विल ऑल्सो गो इन द किट. यस, देन वी हैव द गोप्रो का चार्जर विच विल ऑल्सो गो इन द किट. एंड दिस इज अ वायर जिससे कि एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच होता है आपके कैमरा पे, तो ये वायर भी जो है वो किट में ही जाएगा और ये किट जो है वो हमारे बैग में जाएगी. सो दिस इज़ द स्टफ दैट आई वांटेड टू पुट इन द किट सेपरेटली. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आई वुड वांट टू शो यू, विच इज़ हाउ आई कैरी माय कार्ड्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. आई यूजुअली कैरी 5 कार्ड्स. 3 64GB है, एक 128GB है और एक 164GB है जो कि इस वक्त इस कार्ड रीडर में है बिकॉज बैकअप अभी तक नहीं लिया गया है पिछले ट्रिप का, जो कि बहुत गलत आदत है. इसको मत किया कीजिए. नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बैकअप को कैसे सेग्रीगेट करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब बहुत सारा डेटा हो जाता है तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम दैट हाउ यू मैनेज इट. सो आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो टू टीच यू हाउ यू सेग्रीगेट योर बैकअप. एंड दिस अ वेरी गुड केस, कीप्स ऑल द कार्ड्स सेफ.
यू कैन ऑर्डर दिस केस ऑन अमेजोन एंड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन अटैच द लिंक बिलो. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है हमारा टेलीकन्वर्टर. इट्स अ 1.4x टेलीकन्वर्टर एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द एनिमल इज़ नॉट एग्जैक्टली इन योर अप्रोच और स्पेशली बर्ड्स के साथ ही प्रॉब्लम आती है. तो दैट इज़ अ टाइम व्हेन आई पुट द टेलीकन्वर्टर ऑन. एंड अनदर थिंग विच आई कैरी विद मी इज दिस. दिस यू नीड टू कैरी ऑन ऑल द ट्रिप्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये खरीदते ही लाइफ अचानक से आसान लगेगी ट्रिप्स पे, क्योंकि इस पर आपके फ़ोन चार्जर, कैमरा का चार्जर, स्क्रीन का चार्जर सब एक साथ अटैच हो सकता है. आई हैव अनदर वन विद 8 प्लग्स ऑल्सो. यूजुअली आई कैरी दिस ऑन द ट्रिप्स. अगर पर्सनल ट्रिप है जिसपे ज़्यादा सामान है, ज़्यादा कैमराज हैं, तो देन आई कैरी द 8 प्लग वन. बट ऑन दिस ट्रिप आई एम गोना कैरी दिस वन एंड दिस मच एंड दिस थिंग इज़ अ लाइफ सेवर, ट्रस्ट मी ऑन दैट. यू नीड टू इन्वेस्ट इन इट. उसके बाद हमारे पास आ गया निंजा वी का चार्जर और चार्जर के साथ लगने वाला अडैप्टर. So I'm gonna put this in the bag. There you go. You know the worst part about packing gear? Wires. So many wires. और पता नहीं ये पैक तो बहुत अच्छे से होती है, बैग में अचानक कैसे खुल जाती है, जब निकालो तो सब घिचमच. अच्छा, ये रहा हमारा स्क्रीन एंड देन वी हैव अ कवर अलॉन्ग विद दिस द Ninja 5. सो आई एम गोना पुट इट हियर. And then I carry this Sony का card reader. Very efficient, very good in terms of speed. So बहुत बार ऐसा होता है काफ़ी सारा data है, वापस आए थके हुए, जल्दी से backup लेना है, फिर सोने का time हो रहा है because सुबह जल्दी उठना है. So you need something which is very fast in terms of data transfer. So this is the card reader that I usually carry along with the wire. And then you have hard drives. So I carry 3 hard drives usually. तीनों एक एक TB की हैं. So this means I have 3 TB of data. Now this is a Samsung pocket drive recently added in my kit. Then you have the SanDisk one, again 1 TB, super convenient to handle. And then you have this sasta jugaad, not exactly sasta, but haan, in dono se sasta, wherein I have added casing on the internal drive. So this is also something you can do. Ye 8 TB ke SSD hai, price kam padta hai from the external drives. You can add casing and you can add an internal drive and then you can use it conveniently as an external SSD. So yeah, paise bachane ke tareeke mujhse poochiye. And then you have this thing. So this is again very important in my trips. I use MacBook. So ye type C hai aur uske andar hamare paas 3 USB ports hain aur bahut sare dusre ports bhi hain jaise ki HDMI and all. So this one is basically wherein you want to connect your laptop to स्क्रीन्स. वर्कशॉप्स में जो है वो प्रेजेंटेशन रहती है, सो प्रेजेंटेशन के लिए लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव टू कनेक्ट माई लैपटॉप टू एक्सटर्नल स्क्रीन्स एज वेल एज प्रोजेक्टर्स. सो उसके लिए ये बहुत यूजफुल रहता है. एंड दिस वायर इज़ फॉर माई एक्सटर्नल ड्राइव वाला जुगाड़. दिस वायर इज़ फॉर माई सैमसंग एज वेल एज द सैनडिस्क एंड इट ऑल्सो can help in this if you have extra external port. Then I have the Rode wireless go to mics. This is something I'm gonna carry because a lot of times I feel like recording the external sounds in the jungle, तो उसके लिए बहुत काम में आता है. और अगर just in case कोई video बनाने का मन हो तो उसमें भी use हो जाता है. GoPro का box रह गया है, इसमें भी देख लेते हैं क्या है. Again बहुत सारा सामान. Okay, so ये रहा GoPro का card reader. इसमें बहुत सारे GoPro के माउंट्स हैं और GoPro के एसेसरीज हैं जो कि हम इसी बॉक्स में रखने वाले हैं और नहीं कैरी करने वाले हैं, बिकॉज इतना कुछ इस ट्रिप पे काम नहीं आने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्टली टीचिंग ट्रिप, सो आई डोंट नीड ऑल दैट. बट आई एम गोना कैरी द GoPro जस्ट इन केस इफ आई फील लाइक व्लॉगिंग एंड इफ जस्ट इन केस यू लाइक दिस व्लॉग एंड आई फील लाइक आई एम समबडी हु कैन व्लॉग, देन आई एम गोना व्लॉग एंड आई एम गोना ट्राई एंड अपलोड इट ऑल्सो. अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं और बताऊँगी आपको. एक बैग एक्स्ट्रा कैरी कीजिए छोटा वाला. ये क्यों है? एक तो इसके अंदर 7200 आ जाता है, तो जब आप 400 से शूट कर रहे हैं तो यू कैन कीप योर सेकेंडरी लेंस एंड सेकेंडरी कैमरा इन दिस इफ इट्स ऑफ दैट साइज. बड़ा बैग आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, एक तो वो जगह ज़्यादा लेता है जीप के अंदर, विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. एनी वे लिमिटेड स्पेस होता है. फिर बड़े बैग को पूरा खोलना, अनजिप करना इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. जस्ट क्विकली अनजिप इट, और जिप भी अगर आप ना करें तो उसको कवर कर दें, ओपन इट एंड पिकअप योर गियर, समथिंग क्विकली हैपन्स. ऑल्सो यू कैन पुट योर एक्स्ट्रा बैटरीज, यू कैन पुट योर एक्स्ट्रा कार्ड्स एंड ऑल दोज लिटिल थिंग्स दैट यू नीड इन द सफारी. आई हैव सीन पीपल कैरी द बिगर बैग्स.
पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज एक तो वो जगह बहुत लेता है और उसके बाद उसमें सामान ढूंढना मुश्किल हो जाता है, एंड देन जो आपका एक्स्ट्रा सामान आप कैरी नहीं करना चाहते सफारी में, या तो वो आप रूम में निकाल करके जाते हैं सारे वायर्स एंड सारे एक्स्ट्रा एसेसरीज, या फिर वो भी आपको लेके जाने पड़ते हैं जीप में. सो इट्स नो पॉइंट, जस्ट इन्वेस्ट इन अ स्मॉल बैग, अ बैग विच यू थिंक कैन फिट ओनली द स्टफ विच यू नीड इन द सफारी, नथिंग एक्स्ट्रा. वेरी कन्वीनियंट, विल मेक योर लाइफ ईजी. इस बैग के साथ एक प्रॉब्लम है, इट्स एन अमेजन बेसिक बैग, आई बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स. तो बैग अच्छा है पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वाटर प्रूफ नहीं है. तो अगर कभी भी बारिश हो गई जीप में, सो देन आई हैव टू काइंड ऑफ कवर इट विद प्लास्टिक बैग्स एंड वॉट नॉट, एंड देन इट्स अ प्रॉब्लम. सो ओनली दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट आई फेस विद दिस, अदरवाइज आई थिंक इट्स प्रीटी मच सॉर्टेड. एंड देन इन द एंड लेट्स पैक आवर 400 ऑल्सो. बैठे बैठे टांगे दर्द हो जाती है यार. एनीवे, सो दिस इज़ आवर 400 एंड आई एम गोना पुट इट इन द केस इटसेल्फ. सो वी आर गोइंग टू कैरी इट इन द केस एंड देयर यू गो. लॉट्स ऑफ पैकिंग हैज हैपेंड. आई एम गोना एंजॉय माय डोज ऑफ डार्क चॉकलेट एंड आई विल थिंक ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो वेयर एंड आई एम गोना show you the stuff that I carry actually for the skin, because safari mein kya hota hai, the light at times in the jungle is very harsh, it can actually spoil your skin, which has been happening with me for a while. So here the skin is all burnt and a lot of pimples are there because of that, and the skin has started to come out also. So this is because of the constant temperature change that I usually face in the safaris, and I was somebody who never used to follow any kind of skin regime. I still don't, I'm very lazy about putting all those creams on the face, so that is something that I've not been doing for a while, but now I've learned that in the long run it's a problem and it can actually spoil your skin. So I was thinking of actually making a video wherein I was planning to tell you guys what I carry for the skin in the safari. If you like the idea, you need to tell me in the comment section below, because vlogging is really difficult for me and I still want to vlog. So I don't know, I'm just kind of oscillating between karo ya nahi karo, karo ya nahi karo. Help me come out of that oscillation, okay?